उसको जांच करके कार्रवाई के लिए हमने कहा था और उन्होंने पूरी कार्रवाई प्रक्रिया का रिपोर्ट भी उपलब्ध कराए और दो पुलिस कर्मियों को चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई की गई। जो घटना से संबंधित सीसीटीवी के फुटेज, उक्त वीडियो और अन्य स्रोत से प्राप्त फुटेज के अवलोकन से जो प्रलोचित हुआ है उसमें एक सिपाही 4756, सिपाही संख्या नंबर 4756 शेषनाथ प्रसाद और सिपाही संख्या 5204 रंजीत कुमार के रूप में पहचान की गई। सिपाही शेषनाथ प्रसाद, सिपाही रंजीत कुमार के द्वारा इस प्रकार का किया गया आचरण उनके उदंडता, मनमानेपन, गैर जिम्मेदाराना, एक अयोग्य पुलिसकर्मी होने का स्पष्ट परिचायक तथा उक्त कर्मी के द्वारा इस प्रकार के किए गए कार्य पुलिस विभाग की छवि को भी धूमिल किया है। इसलिए दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।